हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल DMS बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं रिजल्ट के बारे में। तो जामिया के एक और बहुत बड़े कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अभी डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट। तो मैं बताता हूँ कौन सा कोर्स है और कैसे, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा पूरे स्टेप वाइज कैसे रिजल्ट चेक करना है। और रिजल्ट के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, आपका रोल नंबर कैसे ढूंढना है, क्योंकि नाम है नहीं, रोल नंबर भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत छोटा लिखा हुआ है। और अलग अलग कैटेगरी कर दे रहे हैं ये, मतलब मुस्लिम को जनरल में, जनरल को मुस्लिम में, OBC में, ST में, वुमन में, कैटेगरी अलग कर दे रहे हैं। कहाँ ढूंढना है, वेटिंग लिस्ट कैसे, क्या क्लियर होगी, इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर न्यू हो तो। और एक और बात बता दूं, BBA BCOM का रिजल्ट आया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो रिजल्ट सबसे पहले चेक कैसे करना है, इस वेबसाइट पर आना, इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये BBA BCOM का रिजल्ट है, BBA BCOM का इसलिए बोल रहा हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजल्ट है ये, मतलब कि बहुत बच्चे इसके अंदर अप्लाई करते हैं BBA BCOM के अंदर। वेबसाइट पर आने के बाद क्लियरली आपको पता ही होगा यहाँ एडमिशन रिजल्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे आपको नॉर्मली सेलेक्ट करना है बैचलर्स, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका जो भी कोर्स है, ये BBA BCOM का रिजल्ट आया BBA BCOM, और यहाँ पे ये फिल करना है। इसके बाद में फिल करने के बाद बताते हैं, इस पर सर्च क्लिक करना है, इसको ये रेड वाले को फिल करने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लियरली लिख के आ जाएगा BBA BCOM लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट, मतलब कि रिजल्ट है ये। तो अब यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग व्यू पे, ये जो लिंक है व्यू, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसमें अगेन डाउनलोड करने के लिए पूछ रहा है, अब डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपका, उसके बाद ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद मेन रिजल्ट हमारा यही है। अब इसके अंदर समझना क्या है, मैं पूरे डिटेल में समझाता हूँ कैसे समझना है रिजल्ट अपना। तो क्लियरली BBA BCOM लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 28, जो कि कल की डेट है। और यहाँ पे आने के बाद ये एक दिन पहले की ही डेट डालते हैं, हमेशा से होता ही, हर साल होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, उसके ऊपर मैं एक अच्छे से डिटेल वीडियो लेके आऊँगा एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सभी कोर्सेज में। तो यहाँ पे वैसे डॉक्यूमेंट लिखा, एडमिशन के लिए कब जाना है, देखो 16 अगस्त to 18 अगस्त, 3 दिन का टाइम मिलता है, 16, 17, 18 up to 1 PM। कहाँ पे, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, वहाँ पे आप गूगल मैप्स में भी अगर आप डालेंगे मैप्स में तो वहाँ पे आ जाएगा ओपन होकर, या फिर आप किसी से पूछेंगे यहाँ पे लिखा भी रहता है तो कोई बता देगा वहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कहाँ पे है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और एक्स्ट्रा रख लेना अगर फोटोज़ 2-4 है तो एक्स्ट्रा, और लग तो क्या दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे क्लियरली सब लिखा हुआ है, आपको रीड कर लेना है। वैसे मैं आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कट ऑफ BCOM की दी हुई है। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, मोस्टली हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि BBA की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है BCOM से। BCOM मतलब BBA थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग है, ऐसा नहीं है कि BCOM ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल आधे नंबर से भी ज़्यादा, 1-2 नंबर इतना ही गैप रहता है। तो इस बार कट ऑफ देखते हैं, सबसे पहले जनरल की 59.5 है, तो मैंने भी अप्रॉक्स इतनी ही बताई थी, मैंने भी बताया था, मेरी एक वीडियो देखना जो मैंने बताया था BBA पेपर एनालिसिस व्हाट वी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतनी ही अप्रॉक्स मैंने बताई थी। और मुस्लिम में 55 है, मैंने 54-55 मैंने बताया था मुस्लिम में, और OBC में 54 बताया था, 54 है, वुमेन में 52.25 है। देखो कट ऑफ थोड़ी सी हाई है, ये मैं सही बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। जनरल के लिए तो जैसी थी वैसी ही है, लेकिन मुस्लिम और अदर कैटेगरीज के लिए थोड़ी सी कट ऑफ आई, वुमेन के लिए बहुत हाई कट ऑफ है। लास्ट ऐसा नहीं है कि 52 बहुत हाई है, हाई नहीं है मतलब कि बहुत लो है, ऐसा नहीं यार, क्योंकि लास्ट ईयर वुमेन की 40, 45, 46, 44 तक जाती थी, लेकिन अब डायरेक्ट 52 8-9 नंबर बढ़ गए कट ऑफ। तो कंपटीशन थोड़ा सा वुमेन के लिए हाई हो रहा है, तो बस जिसमें जितने ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा कंपटीशन, अच्छी बात है भाई, लड़कियाँ पढ़ें तो ज़्यादा वो कंपटीशन वैसे बढ़ ही रहा है उनके लिए भी। तो अब जामिया इंटरनल 51.75, इनके लिए भी कट ऑफ हाई है, देख सकते हैं आप, ये PWD है, JK और KM, कश्मीर माइग्रेंट। अब ये थी BCOM की, मैं BBA की भी कट ऑफ बताऊंगा। अब देखो रिजल्ट कैसे समझना है, सबसे पहले आपको सेलेक्टेड अपने कैटेगरी में, जैसे कि अगर आप सपोज जनरल में हैं तो जनरल वाले में सबसे पहले अपना देखना, आपको अपने मार्क्स पता ही होंगे क्योंकि इस आंसर की आई थी आप मैच कर चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपने आंसर की नहीं, मैंने उस पर वीडियो लाया था, सबसे पहले आपने अगर बेल आइकन प्रेस किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच गई होगी। लेकिन आपने नहीं देखा है, अगर आपको अपने आंसर नहीं पता, तो सबसे पहले आप सेलेक्टेड लिस्ट में चेक करें अपना नाम, अगर आप सपोज जनरल में हो तो जनरल में अच्छे से। अब मैं आपको बता दूँ चेक कैसे करना है। देखो हमारा जो BBA BCOM है, BBA BCOM का जो कोर्स कोड होता है ना, वो B04 होता है। आपको पूरा रोल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सीरियसली बता, सिंपल से बता रहा हूँ, B04 हमारा BBA का कोड है, कोर्स कोड है B04। तो B04 पूरे पेपर में कॉमन रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बाद आपका सेंटर सपोज किसी का B04 के बाद ये 03 लिखा हुआ है 11th नंबर का, मतलब 03 इसका सेंटर कोड है, तो 03 भी हटा दो। अब इसका 06 का सेंटर कोड है। अब इसके लास्ट के जो 3 है ना, ये लास्ट के 285, ये हमारा रोल नंबर होता है, तो इसको याद कर लो। सपोज किसी का 508 है रोल नंबर, तो 508 याद करके रखो और ढूंढो 508 का है, सब सिंपली 508 जहाँ पे होगा सेलेक्टेड, जिसमें सेलेक्टेड लिस्ट में अगर आपका 508 कहीं मैच होता है तो अपना सेंटर कोड मैच करो।
तो अगर सेंटर कोड मैच हो रहा है तो समझो ये आपका आपका ही है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपका नाम नहीं है तो यार BBA में पहले देखना, BBA की कट ऑफ हाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे 77 पेजेस यार, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। तो ये BBA देखो, BBA की कट ऑफ दिखा देता हूँ मैं, तो BBA में जनरल 61 है, मतलब हाई तो यार लास्ट ईयर से भी एक दो नंबर ज़्यादा है जनरल के लिए। मुस्लिम 56 है, OBC 55 है, वुमेन 51 है, इंटरनल 55 है, PW 37, ये देख सकते हैं, JK 47 और कश्मीर माइग्रेंट 45। अब इसके बाद समझना कैसे, पहले देखो BCOM से हाई कट ऑफ BBA की है, मैं अभी बताया मैंने, और हमेशा से ऐसा आता है, आप चेक कर लेना लास्ट के जितने भी है ना, BBA का ही हाई कट ऑफ है सभी कैटेगरीज में। तो सबसे पहले आपको अपने BBA वाले में देखना है, BBA में देखो यार सेलेक्टेड लिस्ट में, अगर क्योंकि देखो सबकी फर्स्ट प्रीफरेंस BBA है, तभी BBA की कट ऑफ हाई रहती है, प्रीफरेंस फर्स्ट। BBA के सेलेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो BCOM के सेलेक्टेड लिस्ट में देखो, अगर BCOM के सेलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अदर कैटेगरीज के लिस्ट में सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्टेड लिस्ट थोड़ी सी पेजेस है लेकिन वेटिंग की ज़्यादा पेजेस है, तो सिलेक्शन में देखो, अदर कैटेगरीज में देखो, BBA BCOM दोनों, उसके बाद अगर नहीं मिले ना तो वेटिंग अपने कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट में देखना, देखना तो पड़ेगा भाई क्योंकि रोल नंबर है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 10 से 15 मिनट की मेहनत है, और इसके बाद अगर आपको उसमें भी नहीं मिले तो सभी कैटेगरीज की वेटिंग लिस्ट अच्छे से चेक कर लेना, और बहुत ही पूरा रोल नंबर मैच करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट मैच करो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमें अपना रिजल्ट देखना है, तो और रिजल्ट देखो अभी आया, सबसे पहले अपडेट करा, डेट भले कल की डाली उन्होंने, रिजल्ट अभी दिया इन्होंने, क्योंकि मैं रिजल्ट के दिन से मतलब कि एक हफ्ते से डेली मतलब कि दिन में 20 बार चेक करता हूँ मैं रिजल्ट, उससे ज़्यादा ही चेक करता रहता हूँ। तो मैंने सुबह भी अभी जस्ट 12 बजे भी चेक किया, 11 बजे चेक किया, रिजल्ट नहीं आया था, अभी चेक किया आया है। तो इसीलिए यार सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यार आपको रिजल्ट के लिए सबसे पहले अपडेट मैं करूँगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए और कैसे एडमिशन प्रोसेस है सब कुछ, वहाँ पर जाना है कैसे क्या होगा सब मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और जिसका भी रिजल्ट नहीं आया वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं उनके भी रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले दूंगा। जैसे अभी BA मास मीडिया का रह रहा है, बहुत सारे मास्टर और ग्रेजुएशन कोर्स के रह रहे हैं यार, उन सबका रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।